इस कहानी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह आज भी स्कूल की बस पकड़ने में लेट हो जाता है। इसीलिए सभी क्लासमेट लल्लू कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पीटर मेरी नाम की लड़की को बचपन से बहुत चाहता है जो उसकी पड़ोसी है, लेकिन वो अपने शर्मिलेपन की वजह से कभी उससे बात नहीं कर पाया। इसीलिए फ्लैश नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड है। आज सभी स्टूडेंट को जेनेटिक साइंस लेबोरेटरी में टूर के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पीटर का इकलौता दोस्त हैरी भी आ जाता है, जिसके पिता नॉर्मन ओसबोर्न एक साइंटिस्ट और ओसबोर्न कंपनी के चेयरमैन होते हैं। हैरी अपने डैड को पीटर से मिलवाता है तो पीटर उन्हें बताता है कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ और मैंने आपकी रिसर्च के बारे में पढ़ा है, तो इससे ओसबोर्न बहुत खुश होते हैं। तभी अंदर जाने का वक्त आ जाता है, इसीलिए सभी स्टूडेंट लेबोरेटरी के अंदर आ जाते हैं जहाँ अलग अलग तरह की मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और वहाँ सभी स्टूडेंट को तीन मकड़ियों की ऐसी प्रजाति के बारे में बताया जाता है जिनके खूबियां होती है कि अपने से कई गुना वजन उठा सकती थी और कई मजबूत जाले बुन सकती थी, जिनकी मजबूती ब्रिज बनाने वाले वायर के जितनी होती है, और इसमें से एक मलिना प्रजाति की मकड़ी भी होती है जो काफी दूरी तक जंप लगा सकती थी। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि हमने इन नायब प्रजाति की मकड़ियों के डीएनए में हेर फेर करके 15 सुपर मकड़ियां बनाई है, मगर मेरी नोटिस करती है कि वहां तो सिर्फ 14 मकड़ियां है। तो टूर गाइड उसे बताती है कि शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे होंगे। फिर पीटर वहाँ मैगजीन के लिए मेरी की फोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन तभी एक सुपर स्पाइडर पीटर को काट लेती है क्योंकि उन सभी सुपर मकड़ियों में से एक मकड़ी सेल से भाग गई थी। पीटर को मकड़ी काटने की वजह से दर्द होने लगता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है क्योंकि पीटर अपने अंकल और आंटी के साथ रहा करता था। पीटर की हालत उस मकड़ी काटने की वजह से खराब होने लगती है, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है, और अब सुपर स्पाइडर की वजह से उसका डीएनए भी बदलने लगता है। वही हमें ओस्कोप कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ कंपनी के बोर्ड मेंबर आए हुए होते हैं। डॉक्टर स्टॉर्म जनरल को अपना बनाया हुआ ग्लाइडर दिखाते हैं, तो जनरल उसे कहते हैं कि मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी नॉर्मन भी वहाँ जाता है और वो जनरल को देखकर खुश होता है। जनरल उससे कहते हैं कि क्या इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला सुपर सीरम तैयार हो चुका है, तो डॉक्टर स्टॉर्म उन्हें बताते हैं कि हमने इसका एक टेस्ट चूहे पर किया जिससे वो चूहा 800 गुना तक ताकतवर हो गया था, लेकिन एक बार ये टेस्ट फेल हुआ जिसमें एक चूहा पागल और आक्रामक हो गया, इसीलिए अभी ये सीरम इंसानी टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। तो इससे नॉर्मन स्टॉर्म पर गुस्सा करता है, तो जनरल उसे कहते हैं कि हमने क्वेस्ट एरोस्पेस कंपनी को एक नए हथियार का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसकी 2 हफ्ते बाद जाँच होगी, और अगर तब तक तुम्हारा इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला सुपर सीरम तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा फंड रोक दूंगा। इससे नॉर्मन बहुत परेशान हो जाता है और रात को खुद पर सुपर सीरम को टेस्ट करने की तैयारी करने लगता है, तो डॉक्टर स्टॉर्म उसे कहते हैं कि ये सीरम अभी तैयार नहीं है, इसीलिए हमें इस पर कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मन उसे कहते हैं कि तुम कायर हो और वैसे भी जोखिम उठाए बिना प्रयोग पूरे नहीं होते, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्वेस्ट कंपनी के पास चला जाएगा और हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो खुद पर टेस्ट करने के लिए सेल में चले जाते हैं और स्टॉर्म ना चाहकर भी उन पर सुपर सीरम का टेस्ट करने लग जाता है, जिससे नॉर्मन की पावर काफी गुना बढ़ने लगती है। मगर नॉर्मन को इससे बहुत दर्द हो रहा था और अचानक उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, जिससे स्टॉर्म काफी डर जाते हैं और नॉर्मन के पास जाते हैं। लेकिन नॉर्मन अब ग्रीन गोब्लिन बन चुका था और वो गुस्से में स्टॉर्म को दूर फेंक कर मार देता है, क्योंकि स्टॉर्म ने कहा था कि फॉर्मूला बेकार है। वही फिर हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अगली सुबह जब उठता है तो नोटिस करता है कि उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इससे वो बहुत हैरान होता है, और आज जब वो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो रोज की तरह ही आज भी लेट हो जाता है, और जब वो बस का पीछा करता है तो उसका हाथ बस पर लगे पोस्टर से चिपक जाता है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर जब वो स्कूल के कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो अपने आसपास की सभी चीजों को महसूस कर पा रहा था, जिससे जब मेरी नीचे गिरने लगती है तो उसे बचा लेता है। इससे मेरी खुश होती है। पीटर तभी नोटिस करता है कि उसके हाथों से वेब निकलने लग गए हैं जिससे चीजें चिपक रही है। तभी गलती से वो एक प्लेट फ्लैश पर गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो प्लेट भी पीटर के साथ साथ चली जाती है, जिस
जिससे सभी को पता चल जाता है कि पीटर ने ही फ्लैश पर प्लेट गिराई है। इसीलिए फ्लैश गुस्से में पीटर को मारने के लिए उस पर पंच मारता है, लेकिन पीटर को अब स्पाइडर पावर की वजह से सब कुछ पहले से महसूस हो रहा था, इसीलिए बार बार फ्लैश के वार से बच जाता है। सभी यह देखकर बहुत हैरान होते हैं। पीटर फ्लैश को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर गिर जाता है। सभी को समझ नहीं आता कि पीटर इतना कैसे बदल सकता है। पीटर भी परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक गली में आता है जहाँ एक मकड़ी को देखकर समझ जाता है कि सुपर स्पाइडर के काटने से ही उसके पास ये पावर आई है, और वो अपने हाथों में मकड़ी के जैसे ही दांते महसूस कर पाता है जिससे वो दीवार पर चढ़ और ऊंची ऊंची छलांग लगा पा रहा था। अब वो अपने हाथों से वेब शूट करने की प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि इस स्पाइडर मैन के वेब शूटर डिवाइस से नहीं बल्कि हाथ के अंदर से निकलते थे। पीटर काफी कोशिश करता है मगर इससे वो दीवार से टकरा जाता है। रात को जब वो घर आता है तो बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए उसके अंकल आंटी सो चुके थे। पीटर को मेरी के घर से उसके मोम डैड के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए जब वो बाहर आता है तो मेरी जेन यानी कि एमजे भी झगड़े की वजह से बाहर आ जाती है। पीटर एमजे से कहता है कि मैं फ्लैश के साथ वो सब नहीं करना चाहता था और वो सब मुझसे गलती से हुआ। तो एमजे उसे कहती है कि अब ठीक है और वो खुश है कि तुमने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। फिर उसे पूछती है कि स्कूल के बाद तुम्हारा क्या करने का इरादा है। तो पीटर उसे बताता है कि स्कूल के बाद मैं शहर जाऊंगा जहां मैं कोई अच्छी सी फोटोग्राफर की नौकरी कर लूंगा, साथ ही कॉलेज में अपने आप की पढ़ाई करूंगा। तो एमजे भी उसे बताती है कि मैं भी शहर जाऊंगी और अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करूंगी। तभी वहां पर फ्लैश भी अपनी नई गाड़ी लेकर आ जाता है जिसे देखकर एमजे बहुत खुश होती है। इससे पीटर भी अब मेरी को इम्प्रेस करने के लिए कार खरीदने का डिसाइड करता है और वो पेपर में सेकंड हैंड कार देखने लग जाता है जिनकी कीमत $3,000 के आसपास होती है। इसीलिए एक रेसलिंग में जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसमें जीतने वाले को $3,000 का इनाम था। पीटर अपने स्पाइडरमैन वाले सूट का डिजाइन तैयार करने लग जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। काफी सोचने के बाद वो अपना स्पाइडरमैन वाले सूट को डिजाइन कर लेता है जिससे वो खुश होता है। वही हैरी जब घर जाता है तो अपने डैड नॉर्मन को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। वो अपने डैड से पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो नॉर्मन को भी कुछ याद नहीं होता और वो हैरी से कहते हैं कि लगता है कि मेरी तबीयत खराब है। तभी ओसबोर्न के असिस्टेंट वहाँ आकर उन्हें बताती है कि डॉक्टर स्टॉर्म को किसी ने मार दिया और हमारा ग्लाइडर चोरी हो चुका है। नॉर्मन ये सुनकर ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। वही पीटर भी अपने घर में वेब शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इससे उसकी आंटी बहुत परेशान होती है क्योंकि पीटर कुछ दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आता था और अजीब बर्ताव कर रहा था। इसीलिए इस बारे में अंकल बेन को बताती है जिससे पीटर जब लाइब्रेरी का बहाना बनाकर बाहर जाने लगता है तो अंकल बेन उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो खुद उसे लाइब्रेरी छोड़ने आते हैं। जाओ पीटर को समझाते हैं कि तुम अभी जिस उम्र के पड़ाव पर हो उस उम्र में मुझ में भी ये बदलाव आए थे और यही वो उम्र है जिसमें इंसान अपनी शख्सियत बनाता है फिर जिंदगी भर उस पर कायम रहता है। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर ही अपनी राह चुननी होगी। साथियों से ये भी कहते हैं कि तुमने स्कूल में फ्लैश को सबक सिखाया और शायद तुमने सही किया, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमेशा याद रखना बेटा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। लेकिन पीटर उनकी बातों पर गौर नहीं करता और ने कहता कि आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए और वैसे भी आप मेरे डेट नहीं है और आप वो बनने की कोशिश भी मत कीजिए। अंकल बेन इससे उदास होते हैं और पीटर को ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि मैं तुम्हें रात को 10 बजे लेने आऊंगा। पीटर अंकल बेन के वहाँ से जाते ही रेसलिंग में चला जाता है जहाँ स्पाइडर की हुडी पहन लेता है क्योंकि उसने अभी तक अपना सूट नहीं बनवाया था, और वो अनाउंसर को अपना नाम इंसानी मकड़ी बताता है लेकिन उसे नाम अच्छा नहीं लगता और उसका नाम स्पाइडर मैन रख देता है। सभी पीटर को देखकर डराने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पीटर उसके जाबाज खिलाड़ी बोनसो को हरा नहीं पाएगा। लेकिन जब पीटर रिंग में जाता है तो बोनसो पीटर पर हमला करने लगता है लेकिन पीटर उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है जिससे अब स्पाइडर मैन नया चैंपियन बन जाता है। और जब वो अपना विनिंग अमाउंट लेने जाता है तो उसे सिर्फ $100 ही दिए जाते हैं। और केशर उसे कहता है कि तुम्हें बोनसो से 3 मिनट तक लड़ना था लेकिन तुमने उसे 2 मिनट ढेर कर दिया, इसीलिए तुम्हें सिर्फ $100 ही मिलेंगे। तो पीटर उन्हें कहता कि मुझे उन पैसों की जरूरत है। तो आदमी पीटर से कहता कि मुझे तुम्हारी जरूरत से कोई मतलब नहीं। तो पीटर वहाँ से चला जाता है। तभी एक चोर वहाँ आ जाता है जो केशर को धमका कर उसे सारा पैसा
लूटकर वहाँ से भागने लगता है। कैशर पीटर को उस आदमी को रोकने को कहता है, लेकिन पीटर उसे नहीं रोकता और उसे जाने देता है। ये देखकर आदमी पीटर से कहता कि तुम उसे बड़ी आसानी से रोक सकते थे, तो पीटर उसे उसका डायलॉग मारते हुए कहता कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। पीटर जब लाइब्रेरी के पास पहुँचता है तो उसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ अंकल बेन घायल हालत में पड़े होते हैं, क्योंकि पीटर ने जिस चोर को जाने दिया था उसने अंकल बेन से गाड़ी छीनकर उन्हें गोली मार दी थी। पीटर इससे बहुत दुखी होता है और अंकल बेन पीटर के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। पीटर को इससे उस चोर पर बहुत गुस्सा आता है और अपने अंकल की मौत का उससे बदला लेने के लिए अपना सूट पहनकर उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है। पीटर को चोर नजर आ जाता है क्योंकि उसके अंकल की गाड़ी में था। पीटर भी पुलिस के साथ उसका पीछा करने लगता है और इससे अब पीटर अपने वेब के जरिए झूलना भी सीख जाता है। पीटर उस चोर के पास पहुंचता है और उस चोर की गाड़ी को क्रैश कर देता है, मगर वो चोर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में घुस जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन पीटर उस चोर से अपने अंकल की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। मगर पीटर जब उस चोर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वही चोर है जिसे उसने जाने दिया था। तभी वो चोर पीटर पर गन से शूट करने लगता है, लेकिन पीटर उसका हाथ तोड़ देता है और वो चोर एक चीज से टकराकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी पुलिस भी आने लगती है, लेकिन पीटर वहाँ से निकल जाता है। पीटर जब घर आता है तो उसकी आंटी बहुत दुखी होती है। वही हमें जनरल को दिखाया जाता है जो कैश कंपनी के बनाए गए रोबोटिक हथियार की टेस्टिंग देखने आए होते हैं, और अगर ये टेस्ट पास हो गया तो जनरल ओसबोर्न कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हटाकर कैश कंपनी को दे देंगे। लेकिन नॉर्मन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ आकर उस मशीन और जनरल को मार देता है ताकि मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट ओसबोर्न कंपनी के साथ बना रहे। अगले दिन दिखाया जाता है कि पीटर और हैरी हाई स्कूल पास कर लेते हैं और पीटर को विज्ञान पुरस्कार मिलता है, जिससे उसकी आंटी बहुत खुश होती है। नॉर्मन भी हैरी से खुश होते हैं और वो पीटर को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंकल गुजर चुके हैं और अभी तुम बुरे हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। हैरी वहाँ देखता है कि मेरी और फ्लैश का ब्रेकअप हो गया है। पीटर जब घर आता है तो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे अपने अंकल की बहुत याद आ रही थी। आंट में उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे अंकल हमेशा हमारे साथ हैं और तुम्हारे अंकल को पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और बहुत महान काम करोगे। तो पीटर भी उनकी बातों से समझ जाता है कि अपनी पावर से लोगों को मुजरिमों से बचा सकता है, ताकि उसके अंकल के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। और अब वो अपना डिजाइन किया हुआ सूट पहन लेता है और शहर के सभी चोर और क्रिमिनल को पकड़ने लग जाता है, जिससे अब वो सभी का हीरो बन जाता है। लेकिन अब अंकल बेन के गुजरने के बाद उसे एक जॉब की तलाश थी ताकि अपना घर चला पाए और आंट में का ख्याल रख सके। एक दिन पीटर को डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में उनका एक एड मिलता है कि जो उनके लिए स्पाइडरमैन की फोटो लाएगा वो अवार्ड पाएगा, इसीलिए पीटर क्रिमिनल को पकड़ते वक्त खुद ही अपनी फोटो खींचने लग जाता है। और अगले दिन वो फोटो डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर के सीओ जेमिसन के पास बेचने के लिए लेकर जाता है, लेकिन उन फोटो के बदले उसे सिर्फ 3,000 रुपए देते हैं। तो पीटर उन्हें कहता कि मुझे जॉब की जरूरत है, लेकिन जेमिसन उसे जॉब देने से मना करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे छुट्टे काम करो और मैं तुम्हारी हाथों हाथ फोटो खरीद लूंगा। फिर हमें ओस्कोप कंपनी में दिखाया जाता है कि नॉर्मन अपने सभी बोर्ड मेंबर को बताते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर बढ़ते जा रहे हैं और हमने अमेरिकी सेना को हथियार पहुंचाने में क्वेस्ट एरोस्पेस कंपनी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिससे हमारे मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। तो नॉर्मन के बाकी बोर्ड मेंबर उसे बताते हैं कि यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हम हमारी कंपनी को बेच रहे हैं और क्वेस्ट एरोस्पेस कंपनी ने हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया है जिससे हम उन्हें इनकार नहीं कर पाए। तो इससे नॉर्मन उन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उससे पूछे बगैर ही वो उसकी कंपनी को बेचने वाले थे। मगर सभी बोर्ड मेंबर उसे कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारी से डील हो गई है और हम विश्व एकता दिवस पर कंपनी को बेचने की अनाउंसमेंट कर देंगे, और नॉर्मन को उसकी कंपनी से रिटायर कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज वो दिन आ जाता है जब सभी विश्व एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पीटर वहाँ मेरी
को हैरी के साथ देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी ग्रीन गोब्लिन भी वहां जाता है, जो वहां चारों तरफ हमला करने लगता है और अपने सभी बोर्ड मेंबर को मार देता है ताकि वो एक कंपनी ना बेच सके। वो मेरी पर भी हमला करके उसे नीचे गिराने लगता है। यह देखकर पीटर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर वहां पर आ जाता है, जो लोगों को बचाने लगता है और गोब्लिन से फाइट करने लग जाता है। काफी देर फाइट करने के बाद पीटर गोब्लिन के ग्लाइडर को डैमेज कर देता है, जिससे गोब्लिन वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी मेरी वहां से नीचे गिरने लगती है, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाता है। एमजे इससे बहुत खुश होती है और पीटर उसे सेफ जगह पर उतार कर वहां से निकल जाता है। रात को जब पीटर हैरी के घर पर होता है तो हैरी उसे बताता है कि मैं तुम्हें मेरे और एमजे के बारे में बताने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि तुम उसे पसंद करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और वैसे भी तुमने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वही हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है, जिससे अपने अंदर की बुरी शख्सियत ग्रीन गोब्लिन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम कौन हो, तो गोब्लिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारे साथियों को मारा ताकि तुम्हारी कंपनी बची रह सके, और ये सब हमने मिलकर किया है क्योंकि तुमने मुझे बनाया है, और मैं तुम्हें बेपनाह ताकत दूंगा और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा सिवाय उस स्पाइडरमैन के, इसीलिए हमें उसे भी अपनी टीम में लेना होगा। और स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए डेली ब्यूगल में विल्सन के पास पहुंच जाता है और उससे स्पाइडरमैन की फोटो लाने वाले आदमी के बारे में पूछने लग जाता है ताकि उसकी मदद से स्पाइडरमैन तक पहुंच सके। तभी स्पाइडरमैन वहां जाता है, लेकिन गोब्लिन धोखे से स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिससे सभी को लगता है कि स्पाइडरमैन और गोब्लिन साथ में मिले हुए हैं। वही स्पाइडरमैन को जब होश आता है तो गोब्लिन उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक कमाल के जीव हो और अगर हम दोनों मिल जाए तो कमाल कर सकते हैं। तो पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, तुम एक कातिल हो। तो गोब्लिन उसे कहता है कि तुमने एक हीरो का रास्ता चुना जिससे लोगों ने तुम्हें पसंद किया, लेकिन एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे, इसीलिए तुम उनकी परवाह करना बंद करो और मेरे साथ हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया हमारे जैसे ताकतवर लोगों के रहमो करम पर चलने के लिए बनी है, जिससे हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वो स्पाइडरमैन को सोचने के लिए वक्त देकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हर जगह स्पाइडरमैन को पकड़ने के वारंट जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि सभी को लगने लगा था कि स्पाइडरमैन भी गोब्लिन के साथ मिला हुआ है। पीटर इससे काफी परेशान होता है। वही मेरी जब अपनी एक्टिंग क्लास से वापस लौट रही होती है तब उसे कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। तभी पीटर भी वहां पहुंच जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। मेरी स्पाइडरमैन से कहती है कि तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए कैसे पहुंच जाते हो, मुझे तो लगता है कि तुम मेरा पीछा करते हो। तो पीटर उसे कहता है कि मैं यही पास में था। तो मेरी उसे कहती है कि तुम बहुत कमाल के हो और उसे किस करती है। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मेरी को पता नहीं चलता कि वो पीटर है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक जगह आग लगी होती है और उस बिल्डिंग में एक बच्चा फंसा होता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुँच जाता है और वक्त रहते उस बच्चे को बचाकर सेफली बाहर ले आता है। लेकिन तभी उसे वापस बिल्डिंग से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन गोब्लिन होता है जो पीटर पर हमला कर देता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो गोब्लिन पीटर पर अपने मिनी ड्रोन से हमला कर देता है, जिससे पीटर के हाथ में चोट लग जाती है। पीटर गोब्लिन पर हमला करता है और उसे मलबे में फंसा कर वहां से निकल जाता है। पीटर हैरी के घर जाता है, क्योंकि आज हैरी अपने घर पर एमजे को अपने डैड से मिलवाने लाया था, इसीलिए उसने पीटर और आंट मे को भी वहाँ पर बुला लिया था, क्योंकि उन्होंने और एमजे ने मिलकर साथ खाना बनाया था ताकि वो नॉर्मन को इम्प्रेस कर सके। फिर वो सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी आंट मे नोटिस करती है कि पीटर के हाथ पर चोट का निशान है। तो पीटर उनसे झूठ बोल देता है कि मैं रास्ते में बाइक वाले से टकरा गया था, लेकिन उस चोट की वजह से नॉर्मन समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए वहाँ से निकलने लगता है। तो हैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने एमजे को आपसे मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि एमजे तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे है, क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। एमजे भी उनकी बातें सुन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वही नॉर्मन जब अपने रूम में होता है तो गोब्लिन उसे कहता है कि हमें पीटर को सबक सिखाना होगा, क्योंकि वो स्पाइडरमैन है और उसे मारना बहुत आसान है, क्योंकि हमें उसके चाहने वालों को दर्द पहुँचाना
जाना होगा जिससे उसे भी दर्द होगा और वो कमजोर हो जाएगा जिससे तुम आसानी से उसे मार सकते हो। तो नॉर्मन भी उसकी बात समझ जाता है और वो पीटर की आंट मे पर हमला कर देता है जिससे आंट मे घायल हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आंट मे हॉस्पिटल में होती है और वो बहुत डरी हुई होती है और वो बार बार ग्रीन गोब्लिन का नाम ले रही थी। पीटर भी वहाँ पर आ जाता है तो आंट मे की हालत देख कर समझ जाता है कि गोब्लिन ने उसे पहचान लिया है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि नॉर्मन ही गोब्लिन है जिससे वो काफी डरा हुआ होता है। पीटर अब अपनी आंटी का ख्याल रखने लग जाता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। एक दिन एमजे आंट मे से मिलने आती है तो पीटर उसे पूछता है कि क्या तुमने हैरी से बात की। तो एमजे उसे कहती है कि मैंने उस दिन के बाद से उसे फोन नहीं किया और अब मुझे लगता है कि मैं स्पाइडरमैन को चाहने लगी हूँ क्योंकि उसने मेरी दो बार जान बचाई। तो पीटर भी उसे कहता है कि मैं स्पाइडरमैन को जानता हूँ और अक्सर उसकी तस्वीरें खींचा करता हूँ। और बातों ही बातों में पीटर एमजे की तारीफ करने लगता है जिससे एमजे भी समझ जाती है कि उसे बहुत प्यार करता है। तभी हैरी भी वहाँ जाता है जो उन दोनों को साथ देखकर बहुत बुरा फील करता है और वो घर आकर अपने डैड को बताता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि एमजे को बस मेरी दौलत से प्यार है क्योंकि वो पीटर को चाहती है और पीटर तो उसे बचपन से चाहता था लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। तो नॉर्मन इससे समझ जाता है कि पीटर सबसे ज्यादा एमजे को चाहता है इसीलिए एमजे को किडनैप कर लेता है। वहीं पीटर को उसकी आंटी बताती है कि मैंने तुम्हारी और एमजे की बातें सुनी और मुझे पता है कि तुम बचपन से उसे चाहते हो जब से वो हमारे पड़ोस में रहने आई थी, लेकिन तुमने उसे कभी कहा नहीं और अभी भी देर नहीं हुई है। तुम उसे अपने दिल की बात बता सकते हो और वैसे भी सबको इस बारे में पता है। तो पीटर को इससे याद आता है कि गोब्लिन को भी एमजे के बारे में पता चल गया होगा इसीलिए एमजे को फोन लगाता है तो उसे गोब्लिन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बताता है कि आज हम एक खेल खेलने वाले हैं और उसे ब्रिज के पास बुलाता है जहाँ उसने एमजे को किडनैप करके रखा हुआ था। वो वहाँ पर बच्चों से भरी एक रोपवे पर हमला कर देता है। पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो गोब्लिन को रोकने जाता है लेकिन गोब्लिन बच्चों से भरी रोपवे और एमजे को ब्रिज से लटका देता है और पीटर से कहता है कि तुम खुद को बहुत बड़े हीरो समझते हो लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा क्योंकि आज तुम्हें प्यार और फर्ज में से एक को चुनना होगा। और वो एमजे और बच्चों को एक साथ नीचे फेंक देता है। पीटर बड़ी बहादुरी से पहले एमजे को बचाकर बच्चों से भरी रोपवे को पकड़ लेता है लेकिन वो अभी भी बीच में लटका हुआ होता है इसीलिए एमजे को नीचे रोपवे पर जाने को कहता है। एमजे हिम्मत करके नीचे जाने लगती है लेकिन तभी गोब्लिन पीटर पर हमला करने लगता है। मगर जब सभी लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन बच्चों को बचा रहा है तो गोब्लिन पर हमला करने लगते हैं। तभी एक शिप भी वहाँ पहुँच जाती है और पीटर रोपवे को नीचे उतार देता है लेकिन तभी गोब्लिन पीटर को रस्सी से पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे खंडर घर में पटक देता है और बुरी तरीके से मारने लग जाता है। वो स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो और अब मैं तुम्हारे प्यार को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इससे पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो गोब्लिन को मारने लग जाता है। वो एक दीवार को उसके ऊपर गिरा देता है जिससे गोब्लिन बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और पीटर उसे बेरहमी से मारने लग जाता है। ये देखकर गोब्लिन अपना मास्क हटा देता है जिससे पीटर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो मिस्टर नॉर्मन थे। नॉर्मन उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी बुरी शक्ति गोब्लिन ने किया है और तुम दोबारा उसे मुझ पर हावी मत होने देना। लेकिन पीटर उनकी बात नहीं सुनता और ने कहता कि आपने मेरे प्यार और बहुत से लोगों को मारने की कोशिश की। तो नॉर्मन उसे अपनी बातों में फंसाकर ग्लाइडर की मदद से मारने लगते हैं लेकिन पीटर आगे से हट जाता है जिससे नॉर्मन अपने ग्लाइडर से खुद मारा जाता है। लेकिन वो मरते मरते पीटर से कहते हैं कि हैरी को इस बारे में कुछ मत बताना। तो पीटर नॉर्मन की लाश को उनके घर पर रखकर आ जाता है लेकिन हैरी उसे देख लेता है मगर वो पहचान नहीं पाता कि वो पीटर है। फिर दिखाया जाता है कि नॉर्मन का अंतिम संस्कार किया जाता है जहाँ पीटर भी आया होता है। वो हैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से जानता हूँ। तो हैरी उसे कहता है कि मेरे डैड को स्पाइडरमैन ने मारा है और एक दिन स्पाइडरमैन को मेरे पिता की मौत की कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। पीटर अब इन सब से समझ जाता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, चाहे वो कितने भी
अच्छे काम करे, लेकिन हमेशा उसके परिवार वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एमजे पीटर को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीटर भी इससे खुश होता है, लेकिन उसे कह नहीं पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो इससे मुसीबत में पड़ सकती थी। इसीलिए उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं अपनी दोस्ती से ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। इससे एमजे बहुत दुखी होती है और पीटर वहाँ से चला जाता है और अब वो वापस लोगों को बचाने लग जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप स्पाइडर मैन की और मूवी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।